नमस्कार। हेलो, सबसे पहले सारे श्रोतागण को मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। नीलम जी हैं और आप सारे जो भी मीडिया, सबको दिल से नमस्कार करते हैं। मेरा कहना यह है कि मेरा परिचय मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम विजेश कुमार है। इस फिल्म के हीरो और डायरेक्टर, थोड़ा बड़ा सिंगिंग भी कर लेते हैं। हाँ, सिंगिंग में भी है, कुछ गाने गाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, इस पिक्चर को लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ। है पेशेंस भी है हमारे, लेकिन मैं भूलिया नहीं कर सकते। कुछ ऐसी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते, मीडिया आप लोग श्रोतागण को बता नहीं सकते कि क्या मजबूरी है हमारी, लेकिन बहुत खुश हूँ इस पिक्चर को लेकर। ये जो कातिल प्यार के हैं, बाकी मैं स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। शायद मेरे पे कुछ घटना घटी है, जिसके लिए जो हमारे राइटर से विचार हुआ कि कई ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए। जो इसके प्रोड्यूसर हैं रमेश जी, रमेश साहनी जी, और डायरेक्टर जो डायरेक्टर जो अपने हैं अमन सबक जी, और कैमरा मैन डी के शर्मा जी। कुछ अच्छा करने का हमने सोचा है और कहानी बहुत अच्छी है इसमें, नो डाउट। और जो नीलम जी है, काफ़ी मेहनती है। मुझे अच्छी लगी कि उनका जो भी गाना या वीडियो एल्बम देखते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है। मुझे एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी लगती है। इतना तो शायद मैं अच्छा नहीं करता हूँ, मैं एज ए हीरो को ठीक है। आपने सही पूछा कि उनकी तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हीरोइन है, हीरोइन का डिमांड है। हीरो को कौन पूछता है? हीरो को बड़े स्टार लोग पूछे जाते हैं, छोटे लोग ठीक है कोशिश कर रहे हैं। स्टार तो कोई बन के नहीं आता है, यही धरती पे बनना है सबको। कुछ फोकस नहीं आ रहा ना। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप भोजपुरी में थोड़ा बोलते हैं, कुछ हमारे लिए भोजपुरी श्रोता भी हैं जिनके देख ही लोगे। एक कहानी हमारा पर बाट है, लेकिन इसमें जो घटना बटे कुछ हमार और हमारे दोस्त के साथ में घटना बटे, लेकिन ना हमें क्या खुद के जीवन से ना लेके एक पिक्चर का मुझे पता नहीं है। और हमें सब कुछ बाय एक्शन, ड्रामा, रोमांस, हर चीज़ रुआ सबके देखे के लिए। पिक्चर में सबसे बड़ी बात कि हमें स्टार तो बना, अभी जौन समय दी हमारी ये मानी जाना आदमी, तो नया आदमी होने के बावजूद भी हमें कोशिश करें एज ए हीरो ना एज ए डायरेक्टर, कैसे कि कोशिश करें कि हमारा पिक्चर बहुत अच्छा बने और रउआ लोगों के काफ़ी पसंद आई और रउआ लोगों के खूब ढेर सारा प्यार है। और सबसे बड़ी बात कि पिक्चर में जो हमारे खास मित्र है पिंटू जी बानी वहाँ के, और जैसे भी हमारे काफ़ी लोग बा, जगह सब नाम डाली हुई, रमेश जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज है, मतलब तमाम है, रिकेश शर्मा है जो हमारे फ्रेंड है, विलन है इस फिल्म में, काफ़ी लोग सहयोग दिए हैं इस फिल्म के लिए। और ये पिक्चर का ऐसा कोई हम बजट क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि ये फिल्म हम सिनेमा तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। विदाउट स्टार के इसके पहले हम लोग ने एक फिल्म किए थे कमाल प्लस बगप्पा, उसका हीरो खुद है, उसके विलन भी आए हैं, और उसके डायरेक्टर तो हमारे बीच में नहीं है विजय के सोलंकी, लेकिन उस फिल्म में समझ लीजिए डायरेक्टर है ही नहीं। डायरेक्टर का काम होता है कि एंड तक उसका भूमिका निभाए, लेकिन हमारे साथ ये घटना हुई, एक पिक्चर आधे अधूरे में छूट गई, यानी पोस्ट प्रोडक्शन से वो पिक्चर को लेकर जाने की जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर, डालो ना, तो काफ़ी परेशानी हुई। और डायरेक्टर में आने की मेरा वजह वही है, हम नहीं आते, हमको शौक नहीं है डायरेक्टर में। आप सबसे हम बोल रहे हैं कि हमको कोई शौक नहीं है कि हमको डायरेक्टर बनो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है अभी, इसलिए भरोसा नहीं कि एक डायरेक्टर चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर को डुबा दे रहे हैं, हम लोग डूब गए उसमें, हम ये काम नहीं करने देंगे। और हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। जो हम दूसरे को मेहनत करते हैं, दूसरे को बदलना चाहते हैं, वो हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए मैं खुद एज एक एक्टर होने के बावजूद मैं बोला कि नहीं, कि इस पिक्चर का मैं खुद डायरेक्टर लूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि एक प्रोड्यूसर बेचारा कहाँ से, हम लोग कहाँ कहाँ से 2 रुपये ला के हम लोग देते हैं, बताइए उसका अगर पैसे का थिएटर तक मूवी नहीं जाती है, बेचारा डब्बे में चली जाती है, उस मूवी का हम करेंगे क्या? वो डूब जाता है, ना मानता है कि अरे भाई अपने ऐसा कर दिया, ये गलत है, हम ये सब नहीं चाहेंगे।
ठीक है नीलम जी, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार नीलम जी, कितने एक्साइटेड है आपकी फिल्म का अनाउंसमेंट किया जा रहा है? नमस्कार नीलम जी, मैं फिल्म में बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा फर्स्ट। नहीं बहुत तो नहीं, कम ही है बोलिए। एक्चुअली मैंने इससे पहले बहुत सारी मूवी किया है, सेकंड लीड किया है, ये फर्स्ट मूवी है जिसमें मैं लीड कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। बताना चाहिए कौन कौन सी फिल्में की है? एक मैंने किया है करपिया कचोरी में जो सेकंड लीड है, और इससे पहले मैंने दो मराठी मूवी की। इसमें भी अपनी भूमिका के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इतना तो पता नहीं है, मैंने स्टोरी पढ़ी थी। देखिए के बारे में मैं बता देता हूँ, फिल्म में दो हीरोइन हैं, यानी कुल मिला के तीन हीरोइन हैं इस फिल्म में। फिलहाल मैं ऊपर कर देना चाहती हूँ, एक लीड खुद एक एक हीरोइन का रोल खुद नीलम जी निभा रही है, और उसके साथ साथ ये खुद अच्छी सिंगर है, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो बस देखते हैं और जनता जनार्दन को कैसा लग रहा है हमारी मूवी की, जो एक्टिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी। कब से शूटिंग स्टार्ट की जाएगी और लोकेशन क्या होगी फिर? ये देखिए, इसका लोकेशन हम पूरा बिहार है, लोकेशन आउटडोर वन शेडो, और ये जाएगी अपने फ्लोर पे, पिक्चर जा रही है अप्रैल या मई में निकलेगी, अप्रैल मई में जाने की पूरी तैयारी चल रही है, देखते हैं माता रानी क्या सहयोग देती है। कोशिश तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, हम बोलने वाले भी से नहीं हैं, कोशिश करेंगे। अगर आप सब लोग का साथ रहे, ऑडियंस पब्लिक का साथ रहे, तो पिक्चर को जरूर सिनेमा घर तक पहुंचाएंगे। और बोलिए मैम जी, ने आपको सुनता का सुनाइए, तारीफ कर दी आपकी, आपको सुनना पड़ेगा। हिंदी हम उसको बोल सकते हैं, वही भी गा दो जोर गा दो, हिला दो, चलिए कभी कभी। हाँ हाँ, क्या बात है। आप देखते हैं, हम भी सुना देते हैं। सैड सॉन्ग मतलब आशिक अपना गाया, ये कुछ सुना देते हैं आया तो बोलिए, तो कुछ हिंदी फिल्म का सुना देते हैं, भोजपुरी सुनाते हैं। तो ये अभी एक हमने गाना मतलब अभी इसके पहले किया था, जो गैस फिल्म से हमने रिलीज किया था, हो जाने जान जान कही के। नीलम जी हाँ, ये जाने जान जान कही के दीवाना बना गई, अब कहे दुख संगे बिताएबू, अब कहे दुख संगे बिताएबू, हम